नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लकड़ियों का पीछा करने में उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा नियमित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक
एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों शेष क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते आते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में, मामिक सिंह कल्पना के रूप में, किरण जावेरी सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद उर्फ घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में, इमरान खान युवा रतन लाल के रूप में, शारो भरूचा अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में, अहमद खान रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता भाई सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता भाई सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी था, जिसके बाद नागरहाउ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो
मेरे प्यार अरे यारों मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित, जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगी। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप
रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। वे रतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते आते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना। आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में आयशा जुल्का, अंजलि के रूप में दीपक तिजोरी, शेखर मल्होत्रा के रूप में रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में बॉबी खन्ना, शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद और घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम और घनशु के रूप में असरानी, श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान, एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र युवा, संजय लाल के रूप में इमरान खान युवा, रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिटार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल
बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे। गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर एक यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यारे, अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर चार हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सारेगामा सरगम। गाना नंबर पाँच पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर छः रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित, जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है, जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर
उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट्स ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद और घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में इमरान खान, युवा रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सेट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगा, सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता भाई सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992,
क़यामत से क़यामत तक 1988 जो जिदा वही वही सिकंदर 1992 अकेले हम अकेले तुम फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागर हाउस से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे। गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर एक यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यारे, अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर चार हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सरगम। गाना नंबर पाँच पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर छः रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्म में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन।
जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड, रामलाल के 2 बेटे हैं आदर्श, बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना, आमिर खान संजय लाल शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद उर्फ घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र, युवा संजय लाल के रूप में इमरान खान, युवा रतन लाल के रूप में शारो भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और
कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेजेस, डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार, जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, जतिन ललित कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता भाई सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता भाई वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने तैयार जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाउ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत, अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यार, अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है।
और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरबंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगी। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना। आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा उर्फ रतन के रूप में
मामिक सिंह। कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद और घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम और घनशु के रूप में असरानी, श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान, एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र युवा, संजय लाल के रूप में इमरान खान युवा, रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित। जतिन ललित कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम। फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत, अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यार अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरवंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक
एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों शेष क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना। आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद और घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में असरानी, श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान, एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र युवा, संजय लाल के रूप में इमरान खान युवा, रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधान अध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिटार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो
मेरे प्यार अरे यारों मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है। 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरवंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित, जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड, रामलाल के 2 बेटे हैं आदर्श, बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप
रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोषी संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों शेष क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट्स ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजू उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद और घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में इमरान खान, युवा रतन लाल के रूप में शारो भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगा, सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता भाई सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता भाई सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागर हाउस से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल
बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत। अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था। जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर एक यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यारे, अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर चार हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सरगम। गाना नंबर पाँच पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर छः रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगी। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड, रामलाल के 2 बेटे हैं आदर्श, बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर
उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लकड़ियों का पीछा करने में उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में, मामिक सिंह कल्पना के रूप में, किरण जावेरी सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद उर्फ घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में, इमरान खान युवा रतन लाल के रूप में, शाहरुख भरूचा अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में, अजीत बाचानी देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में, जतिन पंडित जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में, ललित पंडित साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में, अमोल गुप्ते गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में, जो जीता वही संगर सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में, अहमद खान रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में, शहनाज पुड़िया संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा, जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी मुख्य 1992 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 35:1 लेवल सारेगामा निर्माता जतिन ललित कालक्रम 11 दिलदारा 1991 जो जीता भाई सिकंदर 1992 खिलाड़ी 1992
क़यामत से क़यामत तक 1988 जो जिदा वही वही सिकंदर 1992 अकेले हम अकेले तुम फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाउ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत। अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था। जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर एक यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यारे, अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर चार हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सरगम। गाना नंबर पाँच पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर छः रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर अनुवाद जो जीतता है वह राजा है 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्म में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरवंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में है। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की
अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड, रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट्स ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना, आमिर खान संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद और घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में इमरान खान, युवा रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधान अध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित,
जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेजेस डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिटार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यारे अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सके। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर अनुवाद जो जीतता है वह राजा है 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है।
हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरवंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोषी संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना। आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजू उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा उर्फ रतन के रूप में, मामिक सिंह
कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में, रामलाल शर्मा मकसूद उर्फ घोड़े के रूप में, आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में, मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान एक विशेष उपस्थिति में, कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में, इमरान खान युवा रतन लाल के रूप में, शाहरुख भरूचा अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधान अध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सेट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगा, सिकंदर गिरधारी उर्फ अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना उर्फ देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता भाई सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता भाई सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागर हाउस से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत, अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यार अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरवंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित, जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगिक। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड। रामलाल के 2 बेटे हैं, आदर्श बड़ा बेटा, रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है, जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय, जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़ जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक
एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों शेष क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी, शेखर मल्होत्रा के रूप में रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद और घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम उर्फ घनशु के रूप में असरानी, श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान, एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र युवा संजय लाल के रूप में इमरान खान, युवा रतन लाल के रूप में शारो भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11, दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम, रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था, जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर 1 यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 अरे यारो मेरे यारो
मेरे प्यार अरे यारों मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर 4 हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित, सारेगामा सरगम। गाना नंबर 5 पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर 6 रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जो जीता वही सिकंदर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अनुवाद जो जीतता है वह राजा है, 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की आने वाली उम्र की खेल फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह लेखन मंसूर खान ने किया है और नासिर द्वारा निर्मित और सह लिखित है। हुसैन फिल्में आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी, मामिक सिंह और कुलभूषण खरबंदा है, जबकि आमिर के भाई फैसल खान विशेष भूमिका में हैं। संगीत जतिन ललित का था। निर्देशक मंसूर खान द्वारा लिखित नासिर हुसैन, मंसूर खान द्वारा निर्मित नासिर हुसैन, अभिनीत आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी, मामिक सिंह, पूजा बेदी, कुलभूषण खरबंदा। छायांकन नजीब खान द्वारा संपादित, जफर सुल्तान, दिलीप कोटलगी। संगीत दिया है जतिन ललिता। उत्पादन कंपनी नासिर हुसैन फिल्म्स द्वारा वितरित। इरोज वर्ल्ड वाइड। रिलीज की तारीख 22 मई 1992। कार्यकारी समय 169 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस 52 मिलियन। जो जीता वही सिकंदर 1979 की अमेरिकी फिल्म ब्रेकिंग अवे से प्रेरित था। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। भूखंड, रामलाल के 2 बेटे हैं आदर्श, बड़ा बेटा रतन और अनुशासनहीन छोटा संजय। रतन हमेशा मेहनती होता है जबकि संजय हमेशा अपनी कक्षाओं में असफल रहता है और अपने दोस्तों धनशु और मकसूद के साथ घूमता रहता है। रतन इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन फिनिश लाइन पर अपने कट्टर प्रतिद्वंदी शेखर से एक साइकिल की लंबाई से कम और दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम साइकिल दौड़ हार जाता है। अगले वर्ष के दौरान रतन और शेखर प्रशिक्षण के दौरान एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आमतौर पर शेखर के साथ समाप्त होता है जो कुलीन राजपूत कॉलेज से है। रतन की मामूली पृष्ठभूमि पर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच संजय अपनी बचपन की दोस्त अंजलि के गैरेज से उधारकारों में लकड़ियों का पीछा करने में उधारकारों में लड़कियों का पीछा करने में व्यस्त है। एक दिन उसकी मुलाकात देविका से होती है जो कि क्वींस कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है। संजय देविका को बताता है कि वह एक अमीर करोड़पति का बेटा है और वह देविका को प्रभावित करने के लिए एक कुलीन कॉलेज में जाता है। देविका संजय के झूठ के लिए गिरती है और उससे प्यार करने लगती है। हालांकि जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह उसे छोड़ देती है। संजय जिसे शेखर और उसके दोस्तों द्वारा उसकी स्पष्ट गरीबी उनकी तुलना में द्वारा निर्मित रूप से अपमानित किया जाता है, देविका द्वारा छोड़े जाने के बाद उनके साथ लड़ाई समाप्त करता है। रतन हस्तक्षेप करता है और दिन बचाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप
रामलाल संजय को घर से निकाल देता है। इस बीच बाइकिंग के दौरान रतन पर शेखर द्वारा हमला किया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जो कि देविका का नया प्रेमी होता है और उसके दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप रतन अपनी चोटों के कारण अगली साइकिल दौड़ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यह एक दोस्ती संजय को अपने कार्य को एक साथ करने के लिए प्रेरित करता है। वह कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और दौड़ में भाग लेने की तैयारी करता है। उसे रतन और अंजलि द्वारा मदद मिलती है, जो हमेशा उस पर क्रश रहा है और जिसके साथ उसे बाद में प्यार हो जाता है। वार्षिक साइकिल दौड़ में शेखर और संजय बढ़त लेते हैं, लेकिन अंत में आपस में टकराते हैं और गिर जाते हैं। बेरतन से जुड़ी घटना पर एक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं केवल दौड़ में फिर से शामिल होने के लिए। जब बाकी मैदान ने उन्हें रास्ते में पीछे छोड़ दिया, वे दोनों से क्षेत्र का पीछा करने का प्रबंधन करते हैं और शेखर के नेतृत्व में एक के पीछे एक उभर जाते आते हैं। रेस के आखिरी लैप में फिनिश लाइन पर संजय शेखर से आगे निकलकर अपने कॉलेज की रेस जीतने के लिए अपने पिता के बाद पहली बार यह दर्शाता है कि मॉडल कॉलेज स्पोर्ट्स ट्रॉफी उठाएगा। फेंकना। आमिर खान, संजय राज शर्मा उर्फ संजय थापी के रूप में, आयशा जुल्का अंजलि के रूप में, दीपक तिजोरी शेखर मल्होत्रा के रूप में, रतन लाल शर्मा और रतन के रूप में मामिक सिंह, कल्पना के रूप में किरण जावेरी, सूरज थापर शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, बॉबी खन्ना शेखर मल्होत्रा के दोस्त के रूप में, देविका के रूप में पूजा बेदी, कुलभूषण खरवंदा के रूप में रामलाल शर्मा, मकसूद और घोड़े के रूप में आदित्य लखिया, देवेन भोनाजी घनश्याम और घनशु के रूप में, असरानी श्री दुबे के रूप में मॉडल स्कूल शिक्षक फैसल खान, एक विशेष उपस्थिति में कॉलेज के छात्र युवा, संजय लाल के रूप में इमरान खान युवा, रतन लाल के रूप में शाहरुख भरूचा, अंजन श्रीवास्तव रेस कमेंटेटर के रूप में, राजपूत के प्रधानाध्यापक के रूप में अजीत बाचानी, देव मुखर्जी राजपूत के कोच के रूप में, शकूर के रूप में रविंद्र कपूर, जेवियर के कॉलेज के छात्र और कॉलेज नृत्य कार्यक्रम में कलाकार के रूप में जतिन पंडित, जेवियर्स कॉलेज के छात्र और कॉलेज डांस इवेंट में गिटार वादक के रूप में ललित पंडित, साइकिल रेस कमेंटेटर के रूप में अमोल गुप्ते, गिरिजा सिट्टार जवा हो यारो गीत में मुख्य भूमिका में जो जीता वही संगर, सिकंदर गिरधारी और अंजलि के पिता के रूप में अहमद खान, रुखसाना और देविका के दोस्त और सहपाठी के रूप में शहनाज पुड़िया, संगीत जो जीता वही सिकंदर स्टूडियो द्वारा जतिन ललित और मजरू सुल्तानपुरी, मुख्य 1992, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 35:1, लेवल सारेगामा, निर्माता जतिन ललित, कालक्रम 11 दिलदारा 1991, जो जीता वही सिकंदर 1992, खिलाड़ी 1992, कयामत से कयामत तक 1988, जो जीता वही सिकंदर 1992, अकेले हम अकेले तुम, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने दिया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। साउंड ट्रैक जतिन और ललित के बीच दूसरा सहयोग ने उसके करियर को लॉन्च करने में मदद की। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। पहला नशा भारतीय सिनेमा में चौथा फिल्म गीत था। लखों में एक 1971 में पहला जोगी वो जोगी था, जिसके बाद नागरहाऊ से बारे बारे था 1972 और माइकल मदना काम रजनी की सुंदरी नियम 1990 पूरी धीमी गति में शूट किया जाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल
बाद में कई फिल्मों और संगीत वीडियो में किया गया। पहला नशा एल्बम का सबसे लोकप्रिय ट्रैक था और एक पंथ गीत बन गया है। अन्य लोकप्रिय ट्रैक हमसे है सारा जहां, रूथ के हमसे और अरे यारो मेरे प्यारे थे। गीत अरे यारो मेरे प्यारों को उदित नारायण ने विजेता पंडित के साथ गाया था। जो जीता भाई सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसने भारत में 2.5 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की थी। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत जतिन ललित द्वारा रचित हैं। गाना नंबर एक यहाँ के हम सिकंदर, इस गाने को उदित नारायण, साधना सरगम और जतिन ललित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो नाम है मेरा फोन से का, इस गाने को गाया अमित कुमार और अलके याग्निक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन अरे यारो मेरे यारो मेरे प्यार अरे यारो मेरे प्यारे, इस गाने के गायकार उदित नारायण और विजेता पंडित हैं। गाना नंबर चार हमसे है सारा जहां, इस गाने के गायकार जतिन ललित सारेगामा सरगम। गाना नंबर पाँच पहला नशा, इस गाने के गायकार उदित नारायण और साधना सरगम हैं। गाना नंबर छः रूठ के हमसे, इस गाने को जतिन पंडित ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात शहर की पारी, इस गाने को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।